सबकी स्टोरी में सुन रही थी कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया, और जैसे मुझे रोना भी आया कि यहाँ बहुत लॉट्स ऑफ लेडीज है विद देयर फैमिली, सो इट्स वेरी टचिंग. टुडे आई फील लाइक आई हैव अचीव्ड समथिंग. जब पिक्चर में बनाती हूँ या एल्बम कट हुआ या टीवी शो, वो सब कुछ अचीवमेंट्स तो है, लेकिन ये मैं जो यंग वुमेन इंडिया, the young ladies and the young women of India who have to fight and struggle, jaise maine bhi struggle kiya life mein, mere paas kuch support nahi tha mummy daddy ka. Jab main university gayi thi, I was working 4 jobs so that I could pay for my university. Jab main India aayi thi, main janti nahi thi ki India mujhe pyar dega ya nahi, main kisi ko janti bhi nahi thi, industry ko nahi janti thi. Aur ab mere 1.5 years ho gaye India mein, और वाह हिंदुस्तान जिंदाबाद. मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया ने मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया, और आई मीन आई लव इंडिया, इंडिया इज अमेजिंग एंड आई लव द वुमेन ऑफ इंडिया, सो आई एम वेरी हैप्पी. आई'd लाइक टू गिव वन मैसेज टू ऑल द यंग वुमेन ऑफ इंडिया. Always believe in your dreams. Even if your family are against you, even if you come from a bad background. जब मैं छोटी थी मेरा अब्यूज हुआ, मेरे अंकल ने मुझे अब्यूज किया. मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, मेरी मम्मी कपड़े सीती थी. एक्चुअली मुझे ये भी याद है, एक दिन हम स्कूल में खाना भी नहीं मिला क्योंकि घर में पैसा नहीं था. हम सब टेबल पे बैठे हुए, मैं और मेरे बहन भाई, खाना भी नहीं मिला क्योंकि पैसे नहीं थे खाने के लिए. और अगर आप गरीब हो या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ रेप हुआ आपको, जैसे मेरे अंकल ने मेरे साथ किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे बड़े होते हो और फिर आपकी जिंदगी खराब. क्योंकि जब मैं छोटी थी सब लोग कहते थे हाँ ये बदनाम होगी, इसका ये हुआ, अंकल ने इसके साथ ये किया, उसके घर में पैसे नहीं है, गरीब फैमिली है. अब देखो मुझे, और मैं आज आई एम सो प्राउड टू बी अ वुमन, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड खराब था और जो मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है. और जस्ट टू ऑल द वुमेन ऑफ इंडिया, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट. It's an extremely overwhelming feeling. More than the award, it's just the feeling of just being here, listening to the other women talk. You feel when I was on the Miss Universe stage, I was very, you know, oh yeah, I am Miss Universe India and you know this and that. But when I came here and heard these ladies, all of that just seemed so small. And I'm so inspired today. I mean, this is one of the most overwhelming moments of my life.